नगर निगम काशीपुर से पूर्व मेयर प्रत्याशी रुखसाना अंसारी के पति कांग्रेस नेता शफीक अहमद अंसारी से आज हमारे संवाददाता ने उनके कार्यालय पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता शफीक अहमद अंसारी ने बताया, अगर इस बार मेयर की सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होने पर हम मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शफीक अहमद अंसारी ने बताया कि काशीपुर को नगर निगम बनने के 9 साल बाद भी काशीपुर की जनता नगर निगम जैसी सुविधाओं से वंचित है। काशीपुर की जनता को नगर निगम की किस तरह से सुविधाएं मिलना चाहिए उसको लेकर हमने एक प्लान तैयार किया है, जिसके अंतर्गत काशीपुर की जनता को काशीपुर का चौमुखी विकास, सौंदर्यकरण, पेयजल व्यवस्था, पथ प्रकाश व्यवस्था, जलभराव की समस्या का समाधान हमारी योजना में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता शफीक अहमद अंसारी ने बताया। काशीपुर से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मैं शफीक अहमद अंसारी और काशीपुर से, मैं पिछली बार 2013 में मेयर का चुनाव लड़ा था। मेरी बीवी रुखसाना अंसारी को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला था और हमने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, दूसरे स्थान पर हम रहे और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और मैं कांग्रेस पार्टी का कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता हूँ और वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता। जैसे कि 2013 में आपकी मिसेज चुनाव लड़ी थी मेयर का और सेकंड पोजीशन पर रही थी, इस बार मेयर के चुनाव में अगर सीट ओबीसी होती है और कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव में जाएंगे? हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है, जैसे 2013 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने विश्वास करके टिकट दिया था, इस बार भी अगर सीट पिछड़ी जाती या ओबीसी की आती है तो मैं कांग्रेस पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ूंगा। अगर सीट ओबीसी होती है और कांग्रेस अगर आपको मेयर प्रत्याशी बनाती तो नगर निगम काशीपुर के लिए आपका डेवलपमेंट का प्लान क्या है? और जो दो बड़ी समस्याएं यहाँ की, एक सीवर की और एक ड्रेनेज, इन दोनों समस्याओं के लिए क्या योजना तैयार की है आपने? देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर मुझे मेयर का प्रत्याशी बनाती है तो काशीपुर का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और मेन समस्या काशीपुर की दो हैं, एक जलभराव की समस्या और एक सीवर की। जो नेता मतलब बन करके बैठ जाते हैं लेकिन इस ओर ध्यान नहीं देते, जनता से खाली झूठे वायदे करते हैं, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर काशीपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, तो मैं सबसे पहले इन समस्याओं का समाधान करूँगा, जलभराव की समस्या और सीवर की समस्या। और काशीपुर का खाली यही मतलब काम नहीं है, काशीपुर में और भी काम है, सड़कों की समस्या है और विकास का मसला है, कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, उसका अतिक्रमण का मसला है। जो असली अतिक्रमण है वो हमारी सरकार हटा नहीं रही, पहले नगर निगम ही अपनी शुरुआत करें कि हम अपना अतिक्रमण खुद हटाएं, उसके बाद जनता को परेशान करें। लेकिन बेवजह सरकार ने जो लोगों को उजाड़ा है, बेवजह लोगों को परेशान कर रही है, जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे उन्होंने उनको उन्हें उजाड़ा है, वो कोई अतिक्रमण नहीं। अतिक्रमण का मतलब यह है कि जो बेजा सरकार की ज़मीन पर बैठे हैं और मतलब उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को हटाया जाए। काशीपुर में सबसे ज़्यादा नगर निगम ने अतिक्रमण कर रखा है, चौराहे पर नमन वाली की दुकान, कटोताल पर मीट की दुकान है, नागनाथ मंदिर पर सिंह जी मार्केट और भी तमाम जगहों पर नगर पालिका ने अपना अतिक्रमण कर रखा है। उस अतिक्रमण को पहले नगर पालिका हटाए और अगर जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, विश्वास दिया, तो मैं अतिक्रमण जहां हटने के योग्य वहां पर मैं ज़रूर उस अतिक्रमण को हटाऊंगा और काशीपुर का विकास करूंगा। अंसारी साहब, जैसे कि दूसरा कार्यकाल ये नगर निगम में मेयर का चल रहा है, क्या कारण है कि यहाँ पर जो मेन मुख्य मार्ग है जिस तरीके से उनका निर्माण होना चाहिए था वो नहीं है, मुख्य मार्गों पर इंटरलॉकिंग देखी जा रही है, जगह जगह जो है समस्याएं हैं, सौंदर्यीकरण नहीं है, क्या कारण है कि मेयर साहिबा इन कामों को कराने में असमर्थ क्यों है? कारण कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ काशीपुर में धर्म की राजनीति चल रही है। अगर मेयर साहिबा अगर खुद चाहें
मेयर साहिबा को जो मेयर बनाया है वो काशीपुर की जनता ने बनाया है, ना कि पार्षदों ने बनाया। तो उनका खुद ये फर्ज बनता है कि काशीपुर की जो मुख्य सड़कें हैं, महेशपुरा रोड है, कड़ौताल रोड है, मझरा रोड है, वो सब टूटी फूटी पड़ी हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से वो इन सड़कों का विकास नहीं करती, इन सड़कों को नहीं बनाती। जहाँ सड़कों की ज़रूरत नहीं है वहाँ जा कर के ये सड़कें बनवाती हैं, सिर्फ पूंजीपतियों और बड़े लोगों का काम दिखाने के लिए काम करती हैं, जबकि वो लोग अपने मुँह से मना करते हैं कि हमें यहाँ पर हमें अभी सड़क की ज़रूरत नहीं है, या हमें मतलब सिर्फ पानी की या उन अन्य समस्याओं की उसकी ज़रूरत है। तो वो तो कराती नहीं, सिर्फ अमीरों को दिखाने के लिए, अमीरों को खुश करने के लिए ऐसी जगह पर सड़कें बनवाती हैं जहाँ जिनकी ज़रूरत नहीं। क्यों? और ये उषा चौधरी जी की बात हमें समझ में नहीं आई कि क्यों नहीं मेन मार्गों का, क्यों नहीं अच्छी मतलब सड़कों का वो नहीं डेवलपमेंट नहीं कराती या नहीं बनवाती। ये अब पता नहीं उनकी क्या नीति है, क्या सोच है। इस बार मैं समझता हूं कि जनता उन्हें इस बात का जवाब दे देगी। अंसारी साहब, अगर यहां की जनता आपको मेयर चुनती है, कांग्रेस आप पर विश्वास करके टिकट देती है, प्रत्याशी बनाती है, तो यहां के लिए क्या प्लान तैयार किया है आपने? देखिए, यहां अगर काशीपुर की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, तो मैं भी यहीं का जन्मा हूँ। जो काशीपुर की मूलभूत समस्याएं हैं पहले उसको निपटारा करेंगे, और फिर जो डेवलपमेंट का मसला है, हमारे दिमाग में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, सड़कों की, पानी की, खंभों की, बिजली की, उन समस्याओं का जो है हम निदान करेंगे। और आने वाले समय में हमारी ये कोशिश रहेगी कि काशीपुर का भी एक नाम हो, जो पहले तिवारी जी के समय में काशीपुर का नाम हुआ करता था, सड़कों के मामले में, बिजली के, पानी के, सब। तो ये सब जो काशीपुर की मूलभूत समस्याएं हैं, हम उनको मतलब पहले उनको मतलब निपटाएंगे, उनको पहले काम करेंगे, पहले डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि काशीपुर की जनता बहुत सीधी है, भोली है, भाली है, वो मतलब ज़्यादा संघर्ष नहीं करती, जैसे और जगहों पर धरने प्रदर्शन वगैरह होते हैं। तो काशीपुर की जनता जो है बहुत भोली है, भाली है, जिसको जो अभी तक छला जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति भी नाम राजनीति है, तो उसी तरीके से साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए, गरीब आदमियों के काम होने चाहिए, लेकिन गरीबों के काम नहीं होते। मेन समस्याएं लोगों की राशन की, पानी की, बिजली की, ये समस्याएं होती हैं जिस पर हमारे लोग, हमारे नेतागण लोग ध्यान नहीं देते। हमारी मेयर साहिबा हों या पार्षद हों, बस अपना हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अगर मुझे काशीपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, मौका दिया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि काशीपुर को एक अच्छा शहर बनाया।